हाय गाइस, दिस इज साइता यार। मैं आप सबसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, और अगर आप सबको मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ फॉलो करिएगा। दोस्तों, इस समय हमारे भारत देश में कोरोना का कहर चल रहा है, और आपको पता है इस कहर से निकलने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। और माननीय मोदी जी जो हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें, इतनी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं, तो उसके साथ हम सबको मिलकर आगे आना होगा, समर्थन करना होगा। मैं ये नहीं कहती कि कोई मतलब बहुत ज़्यादा करे, जिसके पास जितना हो सके। इस मुश्किल घड़ी में हम सबको एक हो जाना है, हम सबको एक होकर रहना है। दोस्तों, प्लीज़ कोई भी बखेड़ा हमें नहीं खड़ा करना है, चाहे कहीं पर कुछ भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, कोरोना वायरस जो एक बहुत बड़ा विश्राप है हमारे भारत देश के लिए, उसमें हम सबको मिलकर आगे आना होगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ गाइस, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हर वर्ग के लोग आगे आएं। कोई भी ये ना सोचे कि हम मुस्लिम हैं तो हमारा अल्लाह अलग है, या कोई ये ना सोचे कि वो हिंदू है तो उनका भगवान अलग है। हम सब एक ही हैं, बस धर्म को बनाने वाले यहाँ के लोग जो हैं, धर्म गुरु लोग हैं, उन्होंने एक अलग अलग तरीके से हर लोगों को बांट दिया है। लेकिन हम अल्लाह के घर से, भगवान के घर से हम सब एक ही होकर आए हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे माननीय मोदी जी और हमारे भारत के वरिष्ठ प्रधानमंत्री और एक बहुत अच्छे इंसान हैं, सबसे पहले वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और हम सबको उनकी, उन्होंने जो जो हमसे बातें कही उन सब बातों पर हमें ध्यान देना होगा। हम सबको उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलाना होगा। अगर उन्होंने कहा है कि आप सब घर में रहें, तो बिल्कुल घर में रहें, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे हाथों में है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, और सोचिए अगर आप इस वायरस का शिकार होते हैं, इस वायरस के शिकार होने से आपको नहीं पूरे समाज को बचाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। क्योंकि हर इलाज कोई भी इलाज लाइलाज नहीं होता, हर इलाज का कुने कोई उसका वो होता है। लेकिन हम सबको क्या करना है, इस इलाज का जो कोरोना वायरस जो है, ये एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज समय रहते अगर आपने कर लिया तो ठीक है, अगर समय रहते नहीं कर पाए तो इसमें जान भी जा सकती है। दोस्तों, तो अपने लिए और अपने देश के लिए आप सबको इस समय सोशल डिस्टेंस को बहुत ही आगे रखना है। अगर हमारे माननीय मोदी जी हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, किस लिए निकाल रहे हैं, कि हम सेफ रहें, हमारे साथ हमारा परिवार, हमारे दोस्त सेफ रहें, तो दोस्तों इसके लिए हम सब मिलकर आगे आएंगे, तभी हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। हमारे भारत देश से अगर इस कोरोना वायरस को निकालना है, तो हम सबको मोदी जी का सहयोग करना होगा। हमारे माननीय मोदी जी एक वरिष्ठ और एक बहुत ही समझदार और उलझे हुए इंसान हैं। मुझे बहुत नाज है कि वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे एमपी के शिवराज सिंह चौहान मामा जो अभी जिन्होंने अभी मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी, मुझे उन पर बहुत प्राउड है। अब हमारे एमपी में जो भी चीज़ें चल रही हैं, हम सबको मिल करके कुछ भी चीज़ें हो रही है। अभी जैसे मान लीजिए इंदौर में वो डॉक्टरों को जो कोरोना वायरस के पेशेंट पर इलाज कर रहे हैं, उन लोगों को मारा गया, उन लोगों को धमकाया गया। दोस्तों, मैं तहे दिल से कहना चाहती हूँ, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, अगर ऐसी कोई घटनाएँ होती हैं तो उन पर आप सब लोग अपने जो वरिष्ठ हैं उनको इस खबर की सूचना दें, और उन सभी को ये कहें कि अभी फ़िलहाल लड़ाई लड़ने का कोई मसला नहीं। अगर किसी को ये वायरस है तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं। अगर वो समय रहते हमने अगर उस इलाज को पकड़ लिया, तो हम उस वायरस का इलाज आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको वायरस हो जाता है और आप उसे छुपाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जान को तो खतरे में डालते हैं, आसपास के लोगों की जान भी खतरे में डालते हैं। हम इस भारत देश के निवासी हैं, इस भारत देश पर हमारा उतना ही हक है जितना आप सभी का है। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि खाली सरकार या गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, उससे कोई वो नहीं होता। आपको भी आगे आना होगा, क्योंकि आप इस भारत देश में रहते हैं, इस धरती का आप तो अनाज खाते हैं, इस धरती माता पे आपका हक है। अगर इस धरती से इंसान का नाम ख़त्म हो जाएगा, तो भगवान को, अल्लाह को, इंसानियत को जिंदा रखने वाला कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। और हम सबको आगे आना है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, जिसके पास जो भी हो रहा है वो हमारे मुख्यमंत्री दान कोष में दान करें। मैं ये नहीं कहती कि आप हज़ारों करें, 500, 100, 100 रुपये भी अगर हम सब प्रदेशवासी अपने कोरोना वायरस के लिए दान करते हैं,
तो इससे बड़ी हमारे लिए, हमारे देश के लिए कोई और लोग तैयार अपने भारत देश के लिए शहीद होने के लिए कि हम शहीद हो जाए, उसके लिए वो इतनी लड़ाई लड़ते हैं, सीमा पे जाके लड़ाई लड़ते हैं। अभी हम सबको इतना अच्छा मौका मिला है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें दोस्तों। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा ही मदद करें, आपकी थोड़ी सी मदद, थोड़ी सी पहल भी बहुत कुछ कर सकती है। अगर आपके पास फाइनेंशियली आप वीक हैं तो आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, आजकल फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इसके माध्यम से वीडियो बनाकर आप लोगों तक ये बातें पहुंचा सकते हैं कि आपको घर में रहना है। और पाँच अप्रैल को हम सभी को अपनी अपनी बालकनियों में, जो हमारे माननीय मोदी जी ने हम सबसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, उनकी बातों का समर्थन करना है कि 5 अप्रैल को अपने अपने बालकनी में रहकर दिया, कैंडल, मोमबत्ती, जिसके पास जो चीज़ अवेलेबल है उसको रखकर, और अपने भारत देश के सभी जितने भी आम नागरिक हैं विश्व में, सभी लोग इस कोरोना वायरस की मार से बहुत बेहाल हो चुके हैं, तो हम सब मिल करके दीपक के माध्यम से दुआ करेंगे अल्लाह ताला से, क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार में एक, जब सभी लोग एक चीज़ के लिए दुआ मांगते हैं तो वो दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्दी सुनते हैं, भगवान उस पर बहुत जल्दी ही सुनवाई करते हैं, क्योंकि हम सबको एक होना है, हम सबको इस मुश्किल घड़ी में आगे आना है। जिसके पास जो भी हो पा रहा है वो मुख्यमंत्री दान कोष में दान करे, चाहे वो 500 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 10 रुपये भी अगर आप दान करते हो अपने भारत देश के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा आप सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम ना करें, अभी बिल्कुल भी कहीं पर कुछ भी होता है उस चीज़ को ना देखें। इस भारत देश को आज़ाद करने के लिए जितना हिंदुओं का हाथ था उतना मुस्लिमों का भी हाथ था, मुस्लिमों ने भी अपने भारत देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। बहरहाल अभी थोड़ा भारत देश का बेहाल ये चल रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में अगर मुसलमान इतनी सी भी गलती करता है तो उसे बहुत बड़ा चढ़ा कर देखा जाता है। यार एक गलती, अगर किसी ने एक ने गलती कर दी तो उस गलती की सज़ा पूरे कौम को देना गलत है। मैं ये नहीं कहती हमारा इस्लाम ये कहता है, हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि जिहाद करो, हमारा इस्लाम कहता है कि अपना ईमान मुजम्मल रखो। अगर आप 5 वक्त के नमाजी और आपका ईमान मुजम्मल नहीं है, आप अपने ही लोगों को भड़का रहे हैं कि आप मस्जिद में आएंगे और मस्जिद में आकर आप, ये कोरोना वायरस आपको कुछ नहीं कर सकता, अगर आप मस्जिद में आकर मरते हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं। देखिए मस्जिद पर मरना एक अलग बात है, ठीक है, अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि अपने आप को नुकसान दो, अगर आज आग जल रही है अगर आप उसमें कूद जाओगे तो क्या आप बच पाओगे? नहीं ना। हाँ, अल्लाह पे यकीन करना, उनके इस हमारे इस्लाम की बुनियाद को खड़ा करना, ये एक अलग बात है। हम लोग अपने इस्लाम की बुनियाद को खड़ा करने के लिए किसी को, किसी की जान को, किसी को नुकसान पहुंचाकर हमें इस्लाम की बुनियाद को खड़ा नहीं करना है। दोस्तों मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि हम मुस्लिम हैं, हमारा भी इस भारत देश को उतना ही हक है जितना आपका है। हम सब यही चाहते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में किसी एक की गलती पूरे मुस्लिमों को ना दिया जाए। पूरे मुस्लिम वैसे नहीं है, मुस्लिम जैसी कौम कोई नहीं है, वो लोग कभी भी ऊँच नीच झूठा, आप देखते हो कि इस्लाम में मुस्लिम कौम एक ऐसी है जिसमें सब लोग मिलकर एक साथ खाना खा सकते हैं, ठीक है। हमारा धर्म ये कहता है कि हम सब एक हैं, कोई भी हमारे लिए ऊंचा नीचा नहीं है। दोस्तों प्लीज़, हमारे जो पैगंबर थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए पेट पे फाके रखे, भूखे रखे रहे हैं वो, लेकिन अपनी उम्मत पर कभी भी उन्होंने आँच नहीं आने दिया। हम यही चाहते हैं कि हमारी उम्मत, ये पूरा हिंदुस्तान है हमारा, हमारी उम्मत हमारा इस्लाम है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारी उम्मत हमारा ये पूरा हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान में अगर हमारी जान भी चली जाती है तो मुझे इस पर नाज है। अभी ये बहुत अच्छा समय है, आप सबको आगे आना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई हैं, कोई भी हिंदू मुस्लिम ना करे, अल्लाह के घर से हम इंसान बन गया है, हम जाएंगे इस दुनिया से क्या लेकर जाएंगे, कुछ भी नहीं। दोस्तों प्लीज़ आप खुद सेफ रहें, औरों को सेफ रखें, जब आप सेफ रहेंगे तभी तो अपने आस पास के लोगों को सेफ रख पाएंगे। दोस्तों अभी जितनी भी मदद आप सबसे होती है आप कर सकते हैं, और इस मुश्किल घड़ी में हम सबको आगे आना है। जब मोदी जी ने कहा है कि घर से बाहर नहीं जाना है तो बिल्कुल नहीं जाना, घर में ही रहकर हम लड़ाई लड़ेंगे, और स्वच्छता अभियान हमें अपने सोशल मीडिया के माध्यम से तक लोगों तक पहुंचाना है। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी, जय हिंद जय भारत, मुझे अपने भारत देश पर नाज है, और मैं इस भारत देश की बेटी हूँ, मुझे इस पर नाज है। आई एम इंडियन,
मैं प्राउड से कहती हूँ कि आई एम